सात जो टॉप के बैट्समैन हैं उनमें दो कराची किंग्स के हैं, ये भी हैरत की बात नहीं बल्कि एक ही है ये जिस तरह से इकबाल भाई इमाद जितनी अच्छी एक्सलेंट बैटिंग कर रहा है वो वही वाली बात है ना कि कोशिश कर रहा है जो मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम वो मैं करूँ और वो कर रहा है और नो डाउट उसकी, तो उसका साथ उसकी बॉलिंग में भी उसकी बैटिंग में भी इवन ग्राउंड में भी जिस तरह वो लगा हुआ है। देखें ये टेनिस या स्क्वाश तो है नहीं, इंडिविजुअल खेला जीते इंडिविजुअल हारे मुश्तरका तौर पे ये 11 का गेम है और एटलीस्ट आप जब मैच जीतते हो तो कम से कम 5 परफॉर्मर होते हैं जो मिलजुल के टीम को जिताते हैं। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो इनमें से ये जो भी टॉप बैटर्स हैं इस टाइम पे या टॉप बॉलर्स भी होंगे तो इकबाल भाई इनमें एक चीज कॉमन है, ये सारे मैचेस खेले में। सो इवेंचुअली मैं जब इब्रार की बात करता हूँ या मैं किसी और प्लेयर की जब बात करता हूँ, अगर आपने उनको इस चार्ट में देखना है टॉप रन गेटर या टॉप विकेट टेकर तो एटलीस्ट उनको मैचेस देने होंगे आपको। जहां तक इमाद की बात रही बिकॉज बिल्कुल लोनली वॉरियर रहे हैं वो कराची के लिए, बट इन द एंड ऑफ द डे वो कैप्टन भी हैं, कैप्टन की कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं जो उनको अच्छी तरीके से पता है और उसमें वो बहुत डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं।